दोस्तों एक्टिंग के लिए आप सोचते होंगे सिर्फ एक्टिंग ही इम्पोर्टेंट है। नो, आप और भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि आप जो मैंने शुरुआत में करा, गाना भी गा सकते हैं। गाना गाने से क्या होगा, आपके हरकतें आएंगी, गले में आपको हरकतें मिलेंगी, और सिर्फ डायलॉग डिलीवरी में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है बॉस। हर चीज़ का एक फ़ायदा है। आप फुटबॉल खेलेंगे उससे भी फ़ायदा होगा, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम सही होगा, आप भाग भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। योगा कीजिए और देखो कितना फ़ायदा होगा। हर एक चीज़ जो आप लाइफ में पूरे डेली रूटीन में आप करते हैं, उन सबको करते रहिए और अच्छे तरीके से कीजिए, दिल लगा के कीजिए। दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो गए हैं, मैं एक अलग ही तरह का किरदार बनता जा रहा हूँ। मेरा बोलने का जो अंदाज है, जो मेरा बात करने का तरीका है, जो मेरी प्रेजेंटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, ये पेंडेमिक का है, और इसके साथ हमें जूझना भी है और आगे भी बढ़ना है। जब हम इसको जूझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ें, हमको वो सारी चीज़ों को एक पकड़ कर चलना पड़ेगा, बैलेंस्ड करके चलना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को भी, अपने माइंड को भी, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी, अपने इरिटेशंस प्रॉब्लम्स को, अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना होगा कि ये सारी चीज़ें ना हो, आपके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो इस लॉकडाउन का। ये आपको सोच कर चलना होगा दोस्तों। यकीनन यदि ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके अंदर कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा, यानी कि आप एक प्लस 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 होते हुए चले जाएंगे और आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ का देखिए साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, ठीक है? तो साइड इफ़ेक्ट की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम अभी यहाँ पर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। तो पॉजिटिव बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो सीखना कहलाता है। जब हम छोटे थे तो हमने ABCD पढ़ा, फिर हम बड़े हुए तो हमने कुछ कहानी स्टोरीज पढ़ना शुरू करी, फिर हमने चित्रों के माध्यम से समझना शुरू करा, फिर हमने कुछ फॉर्मूलेज याद करने शुरू करे मैथ्स में, फिर उसके बाद हमने उन फॉर्मूलाज को थ्योरेटिकल और उसको एल्गोरिथम लगाकर पूरा सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करी। 10th पास हुआ, 12th में आए तो और ज़्यादा एलैबोरेट हुआ चीज़ों के बारे में, फिर और ज़्यादा हमने चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश की, फिर ग्रेजुएशन में आए तो और ज़्यादा डीप में घुस गए, मास्टर्स कर रहे हैं तो और ज़्यादा डीप में घुस जाएंगे। दिस इज़ द लाइफ। अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपका सिस्टम भी बढ़ रहा है, यानी कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं इस ज़िंदगी से, इस माहौल से, अपने एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से, आपके आसपास का जो लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उससे, सोशल मीडिया से, आजकल सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से आप सीखने की कोशिश करते हैं, हमारी वीडियोज़ के माध्यम से भी आप सीख रहे हैं, तो जो आप सीख रहे हैं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपको ग्रो करने के लिए। और जब आप ग्रो हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ। तो जी हाँ, यदि आपको अपने आप को ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए, हर रोज़ आपको सीखना चाहिए। कुछ भी आप सीख सकते हैं, आप इस माइक पर रिकॉर्ड करना सीख सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड होता है, किस तरह से करते हैं, आप अपनी साउंड को अच्छा करना सीख सकते हैं, एज एन एक्टर अपने आप को आवाज़ बदलना शुरू कर सकते हैं, चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो कुछ भी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। और जब आप करेंगे तभी बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्त, जब से शुरू करना चाहेंगे तो होते हैं ये पागलपंती भी करनी पड़ती है कभी कभी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक ही चीज़ को करते रहेंगे ना तो वेरिएशंस नज़र नहीं आएगा, और एक्टर इज वेरिएशन वाला। आपके अंदर वेराइटीज होनी चाहिए। हाँ हाँ सर बिल्कुल, अरे सर बताइए कौन सा करना है। अच्छा बिल्कुल सर, ये क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल करूँगा सर। हाँ पागल करो करना है अभी, बिल्कुल बिल्कुल सर अभी करता हूँ। हाँ हाँ अरे सर रोने वाला। जो भी करेक्टर आपको मिले जस्ट इन्वॉल्व इट, मतलब लगा दीजिए यार, अपना दम लगा दीजिए। आपके पास जो हार्ड डिस्क है ना, ये जो दिमाग है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में आप जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्केट में वैल्यू होगी,
यानी कि आप जिस भी मार्केट में डेवलप करेंगे, सीखेंगे, वहाँ आपको सीखने के बाद वैल्यू खुद पता लग जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए, और ये लॉकडाउन का पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाइए। ये लॉकडाउन सीमित अवधि के लिए है भाइयों, उसके बाद फिर आपको बाहर ही निकलना है, फिर दोबारा दौड़ना है, फिर दोबारा लड़ना है लोगों से, कॉम्पिटिशन की लड़ाई करनी है, यू नो, वैसी लड़ाई नहीं करनी है, और डिशम 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 ऐसा वाला कुछ नहीं करना है क्या? तो चलिए, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। इस वीडियो के माध्यम से सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते सीखते अपनी ज़िंदगी को चलाना बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन, अलग ही मोटिव आपकी लाइफ का बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने पैशन को ढूंढ लें, अपने पैशन को ढूंढने के बाद जब आप अपने आप को आगे बढ़ाने की दौड़ में लगेंगे तो आप सबसे आगे नजर आएंगे। आगे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजिशन पर होंगे, क्योंकि आगे बढ़ता वही है जो अलग सोचता है। अलग जो सोचता है उसकी जो दिशा होती है वो सबसे अलग होती है। जस्ट थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट एंड वर्क ऑन इट, क्रैक एवरीथिंग, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, जोश भरिए अपने अंदर, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जोश भरिए। अकेले रहना सीखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अकेले रहना सीखिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं नई वीडियो बनाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, पसंद आ गई है, और आप वाकई में नई चीज़ सीखने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर आप सीखें। ओके गाइज, समझ गए हैं इस वीडियो का मतलब, तो समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, और एक बार सब मिलकर बोल दीजिए भैया, हे बॉलीवुड।